अलग अलग स्थानों पर अपनी लीलाओं का विस्तार करने के लिए माता ने नया रूप रचा। ऐसे ही शक्ति की देवी हैं माता कैला देवी। करौली मैया की बोल सांचे दरबार की। पावन करौली धाम जहां विराजमान है माता कैला देवी। ऐसी मान्यता है कि कैला देवी इस धरती पर द्वापर युग में आई थी। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण जी के धोखे में अत्याचारी कंस ने योग माया को पत्थर पर पटकना चाहा, तो योग माया उसके हाथ से छूटकर आसमान में उड़ गई। उसी योग माया का रूप माता कैला देवी को माना जाता है। राजस्थान के करौली धाम में स्थित यह मंदिर देश भर के श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक। यहां प्रतिवर्ष चैत्र माह में 15 दिनों तक अनवरत चलने वाला मेला लगता है। मेले में जहां एक ओर माता की जयकार से सारा इलाका गुंजायमान होता है, वहीं दूसरी ओर माता की तस्वीरों तथा अन्य सामग्रियों से सजी दुकानों में ग्राहकों की भीड़ नजर आती है। इन सब के साथ चारों ओर माता के भजनों तथा लांगुरिया गीत एवं नृत्य की धूम मचती है। जित देखूं त लाल बई लाली देखन में गयो, अरे तो मैं भी है गयो लाल। और कहा है क्या के झंडा लहरे लहरे लहराए लांगोरिया, ये है भवन कैला मैया को। झंडा लहरे लहरे लहराए रे लांगोरिया, ये है भवन मेरी मैया को।
माया की भेंटें गाए रही। जो गनिया देखो झूम रही, मैया की भेंटें गाए रही। लांगुर को संग नचाए लांगुरिया, ये है भवन कैला मैया को। झंडा लहर लहर लहराए रे लांगुरिया, ये है भवन मेरी मैया को। इस मौके पर दूर दूर से भक्त यहां आते हैं। जिनके पास अपनी गाड़ी होती है वो उसी से आते हैं, जबकि कुछ भक्त बसों से यात्रा करते हैं। लेकिन इन सब से अलग माता के दर्शनार्थी साष्टांग लेटकर दंडावती यात्रा करते हुए माता के दरबार तक आते हैं। यहां मंदिर के प्रांगण में प्रतिदिन प्रसाद वितरण के बाद चांदी का सिक्का भक्तों को दिया जाता है। इसे भक्त मां का आशीर्वाद समझकर सर आंखों से लगा लेते हैं। मंदिर के प्रांगण में अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं।
इन सब के साथ है मंदिर बहोरा भगत जी का। कहते हैं यहां भूत प्रेत तंत्र मंत्र आदि से मुक्ति मिलती है। यहीं पर स्थित है मुंडन कक्ष। लोग अपनी मन्नत के अनुसार यहां मुंडन करवाकर अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। तमाम भक्त माता के दर्शन करने के बाद इस मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी तय करके केदारगिरी गुफा जाते हैं। इस गुफा में माता का प्राचीन मंदिर है। तो ये मैया का पहला स्थान है। कृष्ण भगवान ने मथुरा में उस टाइम जन्म लिया। जब शंकर भोले जी कैलाश पर्वत से पार्वती जी कहके चले कि जगदम्बा आप चलो हिंगलाज पहाड़, हिंगलाज पर्वत चलो आप, और मैं भगवान कृष्ण के दरबार शंकर भोले जी वहां से चल दिए। पार्वती जी हिंगलाज पहाड़ पहुंच गई है। वहां पहुंच के मैया में तो हिंगलाज पर्वत पहुंच गए। शंकर भोले ने भगवान के दर्शन करे, भगवान गोदी में खिलाया कृष्ण भगवान मथुरा में। वहां से शंकर जी यहाँ दानव रहता था, जो वरदान दिया था भोले शंकर ने, वो दानव था यहाँ रख दी। हम बोलते हैं उससे बूंदा नाम का दाना, और विदेशों में बोलते हैं रक्त भी, वो दानव था। तो मई केदार बाबा जो यहाँ केदार नाम नाम पड़ रहा है उनका। शंकर बोले नहीं यहाँ आते नहीं, गुफा देखी, गुफा हुई बहुत लंबी चौड़ी है, इधर से ये कारी सिंह तक जा रही है। हाँ पानी नहीं था उस टाइम पर, पानी नहीं है। तो जब शंकर बोले भाई को स्नान करे कारी से इस गुफा से, और कारी सिंह से यहाँ आवे, तो दानव में तपस्या नहीं कर रही उनके लिए। क्यों राक्षस था, राक्षस देवता में उस टाइम पर लड़ाई, भगवान कृष्ण ने जन्म दिया तो राक्षस मारने के, कंस राजा को मारने के लिए तो जन्म लिया। तो जब यहाँ आए तो दानव में तपस्या नहीं कर रही, अपने बैल ले बाबा और हिंगलाज पर्वत पहुंचे। हिंगलाज पर्वत जाके और मैया मिली है छोटी सी कन्या, उसको बैल पे बैठा के यहाँ लाए। यहाँ लाए तो अब शंकर भोले तो है ही, तो यहाँ तो ये तो भजन में बैठ के माला, और जब मैया से दानव ने उस राक्षस ने
आक्रम आती है। तो मैया ने युद्ध किया उससे, विकराल रूप धारण करके और युद्ध किया इस जंगल में। तो लड़ते लड़ते आए, 12 साल बीत गई मगर दानव नहीं मरे। क्यों मरे के एक बूंद खून की गिरे 100 दानव तैयार है जाने हाथक खाते। मैया ने विचार सोचे भाई क्या करे, वे तो भजन पे बैठ के मेरी सहायता कौन करे, चलो फौज सजा। तो फिर फौज की तैयारी की है, फौज सजाइए तो 12 भैरव जो ये भैरव बाबा है उसी के भैरव भवानी का जोड़ा मिलाया जन्ना से 12 भैरव 64 दुगुनी 56 कलुआ और जो सामान